नासरीन आपको अहम खबर से आगाह करेंगे। श्री बरादरान के फ्रंट मैन और पंजाब लैंड रेवेन्यू में अरबों रुपए की करप्शन करने वाले कैप्टन रिटायर्ड जफर इकबाल को सरगोधा डिवीजन लगाने पर निगरान वजीर आजम चीफ इलेक्शन कमिश्नर को खत लिख दिया गया है। मसीह जानते हैं मुमताज माहिर कानून अजहर सदीक से। जी सर, बताइएगा इस हवाले से। गवर्नर पंजाब निगरान वजीर आजम चीफ इलेक्शन कमिश्नर इन सबको खत लिख दिया है कि कैप्टन रिटायर्ड जफर इकबाल, जिसने पंजाब लैंड रेवेन्यू में अरबों रुपए की करप्शन, करोड़ों रुपए की करप्शन की है और नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ के खास बंदों में से है, उसे वहां से हटाया गया था करप्शन के इल्जाम पर, उसे कमिश्नर सरगोधा डिवीजन लगा दिया गया है। ये कानून के खिलाफ वर्जी है। इलेक्शन कमीशन ने अपने इख्तियार से इसे फायदा दिया है। इसे लेवल प्लेइंग फील्ड आइन के आर्टिकल 218(3) की खिलाफ वर्जी और इलेक्शन रिगिंग करेगा। ये धांधली करेगा। फौरी तौर पर इसको बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए।